गुना जिले के सिरसी थाना क्षेत्र के ग्राम जमदेरा निवासी स्वालाल पुत्र कमल सिंह वारेला उम्र 50 साल तारापुर में जमीन बताई पर लेकर उसी जमीन पर बनी टपरिया में अपनी पत्नी सहित सो रहा था। मध्यरात्रि करीब 1 से 2 बजे के बीच एक मोटरसाइकिल पर कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी टपरिया के बाहर आया और उसने स्वालाल को आवाज लगाकर बाहर बुलाया। स्वालाल की टपरिया से निकलकर रोड पर आते ही मोटरसाइकिल से आया अज्ञात व्यक्ति स्वालाल के सीने में गोली मारकर भाग गया। सीने में गोली लगने से स्वालाल बरेला की मौके पर ही मौत हो गई थी। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा गोली मारकर की गई हत्या के मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए हत्या का शीघ्र पर्दाफाश करने हेतु मृतक स्वालाल बरेला की पारिवारिक पृष्ठभूमि, लड़ाई झगड़ों, गांव के आपसी दुश्मनी एवं रंजिश के बारे में जानकारी जुटाई एवं संदेह के दायरे में आने वाले सभी व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ की, जिससे ज्ञात हुआ कि मृतक स्वालाल बरेला खेती के अलावा झाड़ फूक का भी काम करता था। जमदेरा गांव के ही लालू बरेला की पत्नी नूनीबाई आज से करीबन 1 वर्ष पूर्व खत्म हो गई थी। लालू बरेला को शक था कि स्वालाल बरेला ने कोई जादू टोना या मूठ देकर नूनीबाई को खत्म कर दिया है। इसी बात को लेकर स्वालाल बरेला व लालू बरेला का पूर्व में भी विवाद हुआ। लालू बरेला स्वालाल की झाड़फूक को लेकर उसके प्रति गुस्सा व रंजिश रखता था। मौका पाकर उसने ही स्वालाल बरेला की गोली मारकर हत्या की। पुलिस द्वारा आरोपी लालू को गिरफ्तार कर उससे घटना में संयुक्त मोटरसाइकिल तथा हाथ की बनी एक नाली भरमार देशी बंदूक जिससे स्वालाल बरेला में गोली चलाई गई थी उसको भी जब्त कर लिया गया है। गुना जिले में सिरसी थाना अंतर्गत अभी एक दिवस पहले ही एक मर्डर हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर नशंस हत्या कर दी गई थी। एक सनसनीखेज वारदात थी। स्वालाल बरेला नाम का व्यक्ति, इसमें एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसको गोली मारी गई थी। रात में 1 से 2 बजे के बीच में उसको घर के बाहर आवाज दी गई। स्वालाल बाहर आया, बाहर जैसे ही वो निकला तो एक व्यक्ति द्वारा उसको गोली मार के खत्म कर दिया गया। स्पॉट पर ही उसकी डेथ हो गई थी। इस प्रकार की एक सनसनीखेज वारदात होने पर काफ़ी दहशत की स्थिति थी। मात्र 10 घंटे के अंदर इस नशंस हत्या के आरोपी को पकड़ लिया। पकड़ के उससे पूछताछ की गई, उसने अपना गुनाह कबूल किया और हथियार के बारे में भी बताया। अभी उसमें उसे PR लेके और बाकी आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। बंदूक इत्यादि भी उसकी पूरी मिल चुकी है, उसमें आगे की पूरी पूछताछ जारी है।